हेलो सर नोरी। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताओ ना। चलिए सर, मैच खेल लिए, पूरा मैच खेला भैया, पूरा अपन पूरा मैच खेलते हैं और एंड तक फिनिश करते हैं अपन मैच। फिनिशिंग टच देते हैं भैया, फिनिशिंग टच देते हैं अपन, ठीक है ना। पूरा मैच खेलते हैं अपन, पूरा पूरा मैच खेलता है तुम्हारा भाई। ओके एवरीबॉडी, कल की बात एक बार बता दो जल्दी से। अरे कंपनी शेयर्स इशू करती है, यस और नो? कंपनी क्या इशू करती है दोस्तों? शेयर्स इशू करती है। मुझे बताइए, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी देती है? कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी देती है? टेल मी, कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करती है? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है ना पब्लिक एट लार्ज को, तो कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी क्या करती है, इशू करती है? टेल मी बड़ी, एवरीबॉडी प्लीज से। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस सर, ये थर्ड लेक्चर है ना अब्बर सर का? थर्ड है कि फोर्थ है बाबू? फोर्थ है ना, आई थिंक सो। फोर्थ लेक्चर है बेटा, फोर्थ लेक्चर है ये, ठीक है ना? ये फोर्थ लेक्चर है बेटा। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुपर 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 से भी ऊपर। अच्छा कल मैंने आपको, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, देखते हैं हम लोग। अच्छा मुझे एक सिंपल सा आंसर करना, कहना प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है दोस्तों, बताइए जल्दी से। प्राइवेट कंपनी है। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक एट लार्ज को, किसको? पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स इशू कर पाएगी? कहने का मतलब, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर ले पाएगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। यस, प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी पे क्या है दोस्तों? रिस्ट्रिक्शन है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से कुछ वर्ड समझ लेते हैं हम लोग, कुछ वर्ड समझ लेते हैं। एक होता है राइट इशू। राइट इशू समझ में आता है आपको क्या होता है? राइट इशू नाम सुना है आपने? अरे नाम तो सुना ही होगा, राइट इशू नाम तो सुना ही होगा। राइट इशू सुना है क्या आपने? व्हाट इज राइट इशू बेटा? What do you mean by right issue? Tell me everybody. अभी लिखना नहीं है, मैं अच्छा बोलूंगा तब लिखना है बेटा। Right issue. What do you mean by right issue? Come on everybody. What do you mean by right issue? देखो यार क्या होता है ना, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी, कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी, तो पहला ऑफर, फर्स्ट ऑफर पहले किससे पूछेगी? जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। कौन से शेयर होल्डर है आपके? जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको पूछेगी। तो जब हम शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं, जब हम शेयर्स किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं कि कंपनी ने क्या लाया है? राइट इशू। राइट इशू को हम बोलते हैं पहले आप। क्या बोलोगे? राइट इशू को क्या बोलोगे दोस्तों? पहले आप, हाँ है ना? तो राइट इशू का मतलब क्या हो गया? पहले आप। आंखें खाई खराब होगी ना? लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं। हाँ जी, सो राइट इशू का मतलब, कमन पढ़ी, राइट इशू का मतलब होता है पहले आप। व्हेन शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, शेयर्स किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स दिए जाते हैं ना, उसका मतलब है कि कंपनी क्या लेके आ रही है? राइट इशू। करेक्ट है, कंपनी क्या लेके आ रही है दोस्तों? राइट इशू। जैसे मेरी कंपनी है,
मेरी एक बहुत ही फेमस कंपनी है, इस कंपनी का नाम याद कर लेना, कंपनी का नाम है गड़बड़ वाला लिमिटेड। ये थ्रू आउट द सिलेबस कंपनी आपके सामने आती रहेगी, जाती रहेगी। ये एक कंपनी आपको थ्रू आउट द लाइफ आपके सामने आती रहेगी बेटा। क्या नाम है दोस्तों? गड़बड़ वाला लिमिटेड दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है यार, बहुत बड़ी कंपनी है। थोड़े दिन में ये ना फोर्ब्स के लिस्ट में आ जाएगी, टॉप 100 कंपनीज में इसका नाम आने लग जाएगा। और आपको बताएं, इसके एकमात्र चेयरमैन एंड एमडी कौन है, चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? श्री 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 108 श्री माननीय वंदनीय पूजनीय परम पूज्य श्री श्री रिद्धि सिद्धि के दादा शुभम अब्बड़ जी। हाँ है ना, बहुत बड़ी कंपनी है भैया, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है यार, बहुत बड़ी कंपनी है। करेक्ट है, आते बात सुनो। अब इस कंपनी के लाखों शेयर होल्डर, लाखों तो नहीं चलो ठीक है, कुछ शेयर होल्डर है, लेट्स से पहले स्टार्टिंग में कुछ शेयर होल्डर है। जैसे इस कंपनी के शेयर होल्डर है मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, आई मीन टू से मोदी अप्पा जी, जी अप्पा जी, अप्पा जी। उसके बाद इसमें ईशा भी इसके शेयर होल्डर है, आलोक भी इसके शेयर होल्डर है, देन उसके बाद में श्रेया गुप्ता भी इसके शेयर होल्डर है, उसके बाद यश सिंगल, ये तेरा नाम कितना भारी है, यश सिंगल, तेरी शादी भी हो जाएगी तो भी तू सिंगल ही रहेगा, है ना, यश सिंगल। चलिए संजय सिंह, ये सब लोग मेरी कंपनी के शेयर होल्डर है। अब मुझे और पैसों की जरूरत है, और मुझे पैसा चाहिए, मेरे को और पैसा चाहिए, तो अगर मैं शेयर सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहा हूं, जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर हैं, अगर मैं उनको शेयर्स दे रहा हूं, तो बेसिकली यहां पे मैं जो इशू लाया हूं उसको हम बोलेंगे राइट इशू। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? राइट इशू। तो कोई आपसे पूछे राइट इशू, तो आप क्या बोलोगे? राइट इशू मीन्स शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। राइट इशू मीन्स शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देते हो ना, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज राइट इशू। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राइट इशू कहते हैं, ठीक है। एक होता बोनस इशू। कौन सा इशू होता है? बोनस इशू। बोनस इशू इज समथिंग जहां पे आप शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दे रहे हो। सर चिटिंग 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 करते हो, सर चिटिंग 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 करते हो, सर डिफरेंट फ्रॉम ईएसओपी, ईसोप से डिफरेंस है बेटा, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है हम लोग देखेंगे, डोंट वरी संजय सिंह, डोंट वरी, बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। अच्छा बोनस, सर चिटिंग 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 करते हो सर आप, पहले आपने बोला सर कि राइट इशू सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो, हमने मान लिया, हमने बोला हाँ, अब आप बोलते हो कि बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो, सर ये क्या बात हुई, सर ये क्या बात हुई, ये कोई बात नहीं होती। अल्ले 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 दीपू सिंह, वाह 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 बेटा, तेरे को गीली पाली पप्पी, बहुत बढ़िया। बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देते हैं, लेकिन फ्री में देते हैं, ठीक है। राइट इशू में हम पिस्सो लेवे हैं, के लेवे हैं पिस्सो, पिस्सो मतलब पैसे। राइट इशू में कम ऑन एवरीबॉडी, हम क्या ले रहे हैं? राइट इशू में दोस्तों हम पैसे ले रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन बोनस में हम लोग फ्री शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों? फ्री शेयर्स दे रहे हैं। एम्प्लॉय को जब हम देते हैं ना बेटा, और जब शेयर्स हम सिर्फ हमारे एम्प्लॉय को देते हैं, जब हम शेयर्स हमारे किसको देते हैं? एम्प्लॉय को, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो ईसॉप होता है। जब हम शेयर्स हमारे एम्प्लॉय को देते हैं ना, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? राइट इशू में, बोनस इशू में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं समझोगे ना, तब तक मज्जानू लाइफ नहीं होएगी। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है डिफरेंस। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। पब्लिक इशू, टेल मी शेयर्स किसको दिया जाएगा? पब्लिक इशू शेयर्स ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, क्या बात है। अरे मैं बोलूंगा तब लिखना है, मैं बता दूंगा आपको कि ये लिखना है, यहां से लिखना आप स्टार्ट करिए, अभी नहीं लिखना है बेटा आपको। पब्लिक इशू, फिर आता है राइट इशू। राइट इशू मतलब ये किसको दिया जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। फिर आता है बोनस इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर
एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर एक आता है प्राइवेट इशू। व्हाट इज प्राइवेट इशू बाबू? व्हाट इज प्राइवेट इशू? प्राइवेट इशू का मतलब जो हम सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रहे हैं। प्राइवेट इशू इज समथिंग जब हम शेयर्स किसको दे रहे हैं? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ सही समझे हो, वेरी गुड। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी, इफ आई एम टॉकिंग ना, अगर मैं बात करूँ ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी व्हाट बेटा आपका? इश्यूज की। तो अलग अलग टाइप के इश्यूज आते हैं, अलग अलग टाइप के इश्यूज आते हैं आपके, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये हम किसको देते हैं? ये शेयर्स हम सिर्फ एम्प्लॉय को देते हैं या डायरेक्टर्स को देते हैं या फिर कंपनी के ऑफिसर्स को देते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे एकदम कंफर्टेबल, आराम से, शांति से, क्या ये पांचों टर्मिनोलॉजी, छह टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, नहीं सॉरी फाइव टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है, क्या ये आपको क्लियर है? ये आपको क्लियर है क्या? आर यू ऑल विथ मी? सभी को अगर क्लियर है तो एक बार, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड ईसॉप? बेटा ईसॉप सिर्फ एम्प्लॉय को दिया जाता है, राइट इशू तो शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। ईसॉप शेयर होल्डर को नहीं देते हैं, ईसॉप हम उन्हीं को देते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय है, जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो कंपनी के लिए क्या कर रहा है दोस्तों? काम कर रहा है, ठीक है सर। सर डिफरेंस बताओ ना सर, चलो पहले डिफरेंस देखते हैं। सर राइट इशू और बोनस इशू का डिफरेंस बताओ, पहला राइट इशू और बोनस इशू का डिफरेंस बताइए। राइट इशू एंड द बोनस इशू, एंड द राइट इशू एंड द बोनस इशू डिफरेंस, टेल मी डिफरेंस। सर राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बोनस भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, लेकिन डिफरेंस किसका है? प्राइस का। बोनस कैसा होता है? फ्री होता है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। सर सुनो ना, राइट इशू और ईसॉप का डिफरेंस बताओ। राइट इशू इज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वेयर एज ईसॉप इज गिवन टू होम एम्प्लॉई। हाँ डिफरेंस है जी, बिल्कुल डिफरेंस है, डिफरेंस है, हाँ जी बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। सो आप हेडिंग दीजिएगा बेटा, चैप्टर नंबर थ्री आपका चल रहा है, चैप्टर नंबर थ्री आप हेडिंग दीजिएगा। क्या हेडिंग दोगे? इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर नंबर थ्री हेडिंग दीजिए बेटा, चैप्टर नंबर थ्री हेडिंग दीजिए बेटा। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दे दी आपने हेडिंग, सुपर्ब, सुपर्ब से भी ऊपर, ऊपर से भी सुपर, सुपर से भी एकदम ऊपर, क्या बात है, सही है, एकदम पकड़े हो, बिल्कुल एकदम सही पकड़े हो आप, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, क्या बात है। अब आप हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इशू, क्या हेडिंग दीजिए बेटा? टाइप्स ऑफ इशू, कहाँ गए रे, लिखा हुआ, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इशू और इसको लिख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ इशू को हेडिंग दीजिए और इसको लिख लीजिए बेटा आप। डन, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सो टाइप्स ऑफ इश्यूज, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो,
चलिए वेरी गुड बेटा। अब यार देखते हैं, आराम से एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। अब जब हम बात करते हैं इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज की, किसकी बात कर रहे हैं, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज की, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। कितने टाइप्स की कंपनी है यार? दो टाइप्स की कंपनी है। एक कौन सा आपका? पब्लिक कंपनी, एंड द सेकेंड वन इज वॉट? प्राइवेट कंपनी। टेल मी, क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? सोच के बोलना, बोल के मत सोचना, पहले सोचो फिर बोलो। हम क्या करते हैं, पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं, अच्छा ऐसा था क्या, ये ऐसा था क्या। ईसॉप का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आकांक्षा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यस 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 ओ यस। सो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पब्लिक कंपनी एकदम कंफर्टेबल। पब्लिक कंपनी क्या लेके आ सकती है दोस्तों? पब्लिक इशू ला सकती है, कोई रोक टोक ही नहीं है। अरे नाम ही है पब्लिक कंपनी, अरे पब्लिक कंपनी नहीं लाएगी तो बावड़ी पूछ कौन लाएगी। पब्लिक कंपनी यस लेके आ सकती है पब्लिक इशू। सर व्हाट अबाउट द राइट इशू, क्या पब्लिक कंपनी राइट इशू ला सकती है? पब्लिक कंपनी क्या राइट इशू ला सकती है? हाँ या ना, टेल मी, पब्लिक कंपनी क्या राइट इशू ला सकती है? ए नहीं 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 नहीं, संजय सिंह, संजय संजय सिंह, ये आपकी गलत फहमी है बेटा, ये आपकी गलत फहमी है बेटा, ये आपकी गलत फहमी है बेटा। आएंगे इसके ऊपर, डोंट वरी। राइट इशू ला सकती है? यस ला सकती है। क्या पब्लिक कंपनी बोनस इशू ला सकती है? बोनस इशू सर बिल्कुल ला सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई वांदा ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, 101% ला सकती है। बस पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट इशू ला सकती है? प्राइवेट इशू ला सकती है पब्लिक कंपनी? टेल मी, यहां तकलीफ हो सकती है आपको, सोचिए और सोच के बोलिए, सोचिए और सोच के बोलिए, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट इशू ला सकती है? ऐसे ही हां में हां मत घुमाना, सोच के बोलना। आकांक्षा ने बोला नो, एकता ने बोला यस, आलोक ने बोला यस, रिया ने बोला, काजल ने बोला नो, आकांक्षा बोली नो, रोहित बोला नो, आलोक बोला नो, पीयूष बोला ला सकती है, अदिति बोली नो, वंश बोली नो नो नो, बहुत लोग नो नो कर रहे हैं, कुछ लोग यस यस कर रहे हैं। अरे ओ यस ओ नो, जो भी आपने किया है मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या पब्लिक कंपनी की आपने डेफिनेशन पढ़ी है? संजय सिंह ने बोला सर पता नहीं, वेरी गुड संजय सिंह, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आंसर है गो विद द फैकल्टी, जो फैकल्टी बोलेगी वही सही आंसर है, हमको मत पूछिए, हमारे फैकल्टी से पूछिए। अगर हमारी फैकल्टी यस बोलती है तो हम फैकल्टी के साथ हैं, हमारी फैकल्टी अगर नो बोलती है तो हम फैकल्टी के साथ नहीं हैं। यस, क्या आपने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखी है, सुनी है, समझी है? क्या पब्लिक कंपनी को कोई भी रिस्ट्रिक्शन है? अरे वे ढोकलो, पब्लिक कंपनी को कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? हमने कहीं पढ़ा है क्या पब्लिक कंपनी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती? पब्लिक कंपनी चाहे जो कर सकती है, जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो प्राइवेट इशू आएगा ना, क्या तकलीफ है भैया? जो चीज रोका नहीं है ना, जिस चीज को लॉ ने रोका नहीं है ना, वो चीज आप कर सकते हो, विच इज नॉट प्रोहिबिटेड, इट इज परमिटेड। जो रोका नहीं है इसका मतलब वो आप कर सकते हो, सो दैट्स वाई प्राइवेट इशू ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा प्राइवेट कंपनी, व्हाट अबाउट द प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर ला सकती है? प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक ऑफर ला सकती है दोस्तों? एवरीबॉडी टेल मी, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। ऐसा दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो, आई ला ओ ला सकती है, नहीं ला सकती, करेक्ट है, वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक, रोका है, प्रोहिबिशन किया है। अच्छा प्राइवेट कंपनी क्या राइट इशू ला सकती है? राइट इशू टेल मी, राइट इशू ला सकती है? हाँ ला सकती है, राइट इशू मतलब शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोनस इशू ला सकती है?
क्या बोनस इशू ला सकती है? यस, बोनस भी ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्राइवेट कंपनी प्राइवेट इशू ला सकती है? सर नाम ही प्राइवेट है सर, ऑब्वियसली सर प्राइवेट इशू ही तो लाती है सर, पब्लिक ऑफर नहीं लाती है। जी 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 ट्रू 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 ट्रू। तो सब ला सकती है, सिर्फ क्या नहीं लाएगी? पब्लिक ऑफर नहीं लाएगा। अच्छा सर, ऐसा सर, हाँ जी। एक्चुअल में पब्लिक इशू को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बेटा? तीन पार्ट में। पब्लिक इशू के एक्चुअली तीन पार्ट है सर, कौन से? पहला पार्ट है पब्लिक इशू का, फर्स्ट पार्ट जो है पब्लिक इशू का, पहला जो पार्ट है पब्लिक इशू का वो है बेटा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा है FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर। और थर्ड वन है OFS, दैट इज ऑफर फॉर सेल। हैं ऐसा सर, ऐसा ऐसी बात है सर, हाँ जी ऐसी बात है, हाँ जी ऐसी बात है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्या 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 ऐसा सर, हाँ जी अब मैं समझाता हूं क्या होता है। देखो यार, जब आप पहली बार कर रहे हो, इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे हो, क्या अबे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो पहली बार? अबे पहली बार पब्लिक को शेयर्स दे रहे हो, फर्स्ट टाइम। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स दे रही है, उसको हम बोलते हैं कंपनी क्या लेके आ रही है? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको तो पता ही है पहली बार में मजा आता है, मतलब अब पहली बार करें के करने के बाद कंपनी को लगा बार बार करना चाहिए, पहली बार करने के बाद कंपनी को लगा बार बार करना चाहिए क्या? पब्लिक ऑफर। हाँ पब्लिक ऑफर बेटा, ऐसा मत सोचो, गलत ना सोचिए, आप गलत नहीं सोचिए, बिल्कुल गलत नहीं सोचिए बेटा, ठीक है। अब पहली बार करने के बाद आपको दूसरी बार करने का मौका मिला, सेकेंड टाइम आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हो, तो सेकेंड टाइम जो इशू किया उसको बोलते हैं FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब आपने थर्ड टाइम किया, अब आप प्रो हो चुके हो करने में, उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम बोलते हैं FPO। जब फर्स्ट टाइम होगा IPO, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम, उसके बाद जब जब आप करोगे ना, उसके बाद जब आप करोगे ना, this is nothing but what बेटा आपका FPO। सर मुझे थर्ड टाइम नहीं, मुझे फोर्थ टाइम भी करना है सर, स्टेमिना ज्यादा है, सॉरी खुजली ज्यादा है पब्लिक, तो उसको भी हम क्या कहेंगे बेटा? FPO। डन। सो क्या आपको IPO और FPO का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस और नो, आपको IPO और FPO का डिफरेंस समझ में आ रहा है? आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत रहेगा। IPO और FPO में कोई डिफरेंस नहीं होएगा। तो जब फर्स्ट टाइम हुआ IPO, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइप हुआ, उन सबको क्या कहेंगे? FPO कहेंगे। तो सर एक नया ये कंसेप्ट क्या लेके आए हो आप यार? ऑफर फॉर सेल, ये क्या लेके आए हो आप? OFS, ये क्या है? ऑफर फॉर सेल, ये ऑफर फॉर सेल क्या है? तो मैं बता रहा हूं, बोलना इससे लिया, बोलो इससे लिया, उसको दिया, कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो 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 जल्दी से, इससे लिया उसको दिया, इससे लिया उसको दिया, बोलो इससे लिया उसको दिया। थोड़ा एक्शन करके बोलो मजा आएगा, एक्शन करके बोलो मजा आएगा, एकदम एंजॉय करते करते पढ़ाएंगे, बोलो कि इससे लिया उसको दिया, इससे लिया उसको दिया। हाँ है ना, मतलब ए
ए भाई इधर डांस क्लासेस नहीं चल रहे हैं आपके, है ना, इधर डांस क्लासेस नहीं चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऑफर फॉर सेल समझाने के लिए आपको बताते हैं क्या। देखो बता रहा हूँ आपको एकदम आज, कंपनी को ना, कंपनी को, किसको, कंपनी को, जैसे LIC कंपनी का नाम सुना आपने, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आपको पता है LIC कंपनी के एजेंट वगैरह जो आते हैं ना, LIC कंपनी के एजेंट जो आते हैं, वो जीने से ज़्यादा मरने के फायदे बता देते हैं आपको, कि आपका अगर मृत्यु हो जाती है, अगर आपकी मौत हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है भैया, ठीक है ना, आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो ठीक है, आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आपका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया तो उतना मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात क्या है, कि बात यह है कि भाई साहब, बात यह है कि LIC कंपनी जो है वो आप सबने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। अच्छा पता है आपको, आपको पता है LIC कंपनी का ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। LIC कंपनी का ओनर कौन है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आलोक बोल रहा है पुराना जोक, बेटा देखो इसको जोक में भी वैरायटी चाहिए। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझना एग्जाम्पल के पॉइंट, सोचना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 70% कंट्रोल है किसका पता है? LIC का। IPO आने वाला है LIC का, यस, ऑफर फॉर सेल होगा वो, IPO नहीं होगा वो, ऑफर फॉर सेल होगा। अब क्या हुआ मालूम, हुआ यूं एक्चुअली, हुआ बेसिकली ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कौन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने सोचा कि हम 15% शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेच देते हैं, 15% शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेच देते हैं, मतलब 15% शेयर्स के लिए हम क्या लेके आते हैं, पब्लिक ऑफर लेके आते हैं। बाबू मेरे को एक बात बताओ, बाबू मेरे को एक बात बताओ, मेरे बाबू, मेरे जादू, मेरे सोना, मेरे गुड्डू, मेरे जादू, बाबू सोना और जादू टोना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस केस में कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू किए हैं या कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स किसको बेचे हैं? पब्लिक को बेच दिए हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स किसको बेचती है बेटा? पब्लिक को बेचती है, हाँ या ना? यस। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर्स थे LIC के, तो LIC ने नए शेयर्स इशू नहीं किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर्स लिए और वो पब्लिक को बेच दिए। दैट कंसेप्ट इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से बेटा जी, मुन्ना जी, जानू जी, ऑफर फॉर सेल। क्लियर है, डन, हाँ या ना बताओ, यस और नो, एवरीबडी टेल मी, यहाँ तक क्लियर है आप लोग, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है क्या बताओ। सो IPO या FPO, मतलब जो है पब्लिक ऑफर जो है वो तीन टाइप का आ सकता है, एक तो आपका IPO आ सकता है, दूसरा आपका FPO हो सकता है, तीसरा आपका OFS हो सकता है। तो IPO के नीचे ये तीन पॉइंट और लिख लो, IPO के नीचे तीन पॉइंट और लिख लो बेटा। IPO के नीचे ये तीन पॉइंट और लिख लो आप, जुली जुली, जुली का दिल आया जो नहीं, पर हर जगह LIC का IPO क्यों लिखा होता है अगर वो OFS है? नहीं बेटा, आप अगर देखोगे ना, जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो एक लेमन लैंग्वेज क्या होता है ना, एक कॉमन लैंग्वेज, ये तो आप इतना टेक्निकल पढ़ रहे हो इसलिए आपको समझ में आता है IPO क्या होता है और FPO क्या होता है और OFS क्या होता है, ठीक है ना। बाकी आम जनता के लिए तो क्या है, IPO ही है वो, आम जनता के लिए, हर किसी के लिए वो तो IPO ही है। आप समझ में आ रहे हैं, तो मतलब सुनो, बट टेक्निकली हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज OFS, ऑफर फॉर सेल। अभी दिखाऊं क्या, लो दिखा देता हूं, बताओ।
एल आई सी ऑफर फॉर सेल। देखो गवर्नमेंट टू सेल स्टेक इन एल आई सी इन टू स्टेजेस टू अवॉइड मार्केट डिस्ट्रप्शन। क्या देखा दोस्तों, देखो क्या बोला गया है, गवर्नमेंट टू सेल स्टेक इन एल आई सी, गवर्नमेंट बेच रही है अपना स्टेक, मतलब गवर्नमेंट के पास स्टेक है, गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है, वो बेच रही है गवर्नमेंट, है ना। अब देखो यहां पे भी अगर आप देखोगे ना टेक्निकली, नॉर्मली ये लोग क्या बोलते हैं इसको, आईपीओ बोलेंगे, सभी जगह नॉर्मली आईपीओ, लेकिन हमने टेक्निकली पढ़ा हुआ है इसको, एक्चुअली आईपीओ नहीं है, आईपीओ थ्रू ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ थ्रू क्या है दोस्तों, ऑफर फॉर सेल है, करेक्ट है, यस। 18,000 करोड़ ऑफ ऑफर फॉर सेल, यस सही बात है बेटा, 18,000 करोड़ का सबसे बड़ा ऑफर फॉर सेल आने वाला है, सबसे बड़ा ऑफर फॉर सेल आने वाला है बेटा। देखो गवर्नमेंट में नोट इनिशियली सेल एट 10% स्टेक इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, चूजिंग इंस्टेड टू सेल 5-6%, पहले 5-6% बेचेगी ऐसा बोला हुआ है, पहले कितना बेचेगी, 5-6% बेचेगी करके। ठीक है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कुल मिला के ऐसी बात होती है भैया, अब देखो लेमन लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में उसको आईपीओ ही बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है बेटा, ऑफर फॉर सेल है, ठीक है ना। अब उसको आईपीओ बोलो या फिर ऑफर फॉर सेल बोलो, लेमन लैंग्वेज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जब पढ़े ना, है ना, जब हम बात करें ना, तो दिस इज अबाउट ऑफर फॉर सेल। कोई आपको पूछे आईपीओ, तो आप बोलो आईपीओ नहीं, आईपीओ नहीं, दिस इज ऑफर फॉर सेल, यू नो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ऑफर फॉर सेल, ऐसा करके स्टार्ट करना, तो ऐसा रुतबा गिरेगा, हाँ इसके पास नॉलेज है, भले ही आता हमको टच है, लेकिन हाँ इसके पास नॉलेज है। समझ में आ रहा है, देखो सुनो, डन किया, डन किया। चलो मैं आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, एक्चुअली आई मुझे थोड़ा सा एक काम से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अर्जेंट है आज, तो ये टाइम पे मेरा एक मीटिंग है, तो हम लोग मिलते हैं, बाकी की बात है दोस्तों, लव यू गाइस, टेक केयर। कल बहुत भारी चीज पढ़ाने वाला हूँ, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कल हम प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ेंगे बहुत जोरदार तरीके से।